हेलो फ्रेंड्स, होते इसमें आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं डोसा बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आइरिस कटोरी ये चावल लिया हुआ है। उसका अच्छे से आप देख सकते हैं, इस तरह से ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला नहीं है। और उसके बाद हम इसको इसमें हम ऐड करेंगे एक कटोरी उड़द दाल और एक कटोरी चने की दाल। और ये हमारा थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड किया हुआ है इसमें। और उसके बाद हम इसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद ये हम इसको भिगाने के लिए रखने वाले हैं, तो वन नाइट भिगा सकते हैं या दिन में भिगा सकते हैं। मैंने दिन में बना रहा, तो दिन भर भिगाऊंगी, शाम को पीस के रात भर रखना पड़ता है इसको। तो ये एक दिन में रेडी होता है इसका मिक्सचर, तो उसके बाद दूसरे दिन में बनता है। तो ये हमारा हो गया रेडी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा वाटी में पोहा लिया हुआ है और उसको भी भिगा लेंगे हम। ये हो गया है, धो के रखते हैं ये भी। और इसको हमको भिगा के रखे थे हमने रात में, वो हम निकालेंगे यहाँ पर। तो ये हम दो से तीन चार घंटे में भीग जाता है, तो मैंने भिगा के लिया। और ये पीसने वाले हैं और सबको अच्छे से बारीक पीस पीस के हम इसको फिर थोड़ा दर दरा पीसेंगे, ताकि वो डोसा जो है बनाने में हमारा क्रिस्पी अच्छे से बने। तो ये हम सबको अच्छे से पीस के ले लेंगे। और ये हमने पोहा भी खाया था, वो तुरंत भीग जाता है, तो इसको रात इसको ज़्यादा देर भिगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये दाल जो हमने लिया था वो लगता है तीन चार घंटे लगता है भिगाने में, तो हमने भिगा के लिया था। और यहाँ पेस्ट भी बन गया है हमारा, सब रेडी हो गया है। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ओवर नाइट छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद दूसरे दिन हम देखेंगे कि पूरा ऊपर तक आ जाएगा इसका खमीर जो बहुत अच्छे से लेकर। एक दिन रात भर रख के उसके बाद ये हमारा चल रेडी हो गया है अच्छे से। और फिर हम इसका आप देखा पूरा भगोना भर के हमने आधा रखा था, ये पूरा पैक पूरा, इसमें हमने एक चम्मच नमक डाला हुआ है। और इस तरह सबको अच्छे से अंदर मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये रेडी हो गया है हमारा, तो डोसा बनाने के लिए रेडी है। और यहाँ पर हमने तवा लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पानी के छींटे डाल के इसको हम पोंछ लेंगे तवा को कपड़े से। और उसके बाद फिर हम एक कपड़े से पोंछ लें और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे। तो हमारा डोसा इस तरह से बने। और दूसरी आपको एक आलू वाला डोसा बनाने पसंद आएगा और एक हम बिना आलू का बनाया था। तो ये हमारा आलू वाला डोसा है, तो इसमें हमने थोड़ा सा तेल मिलाया हुआ ऊपर में। चारों तरफ फिर आप घुमा घुमा के हम उसको अच्छे से सेक लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा आलू डालेंगे, मसाला डालेंगे। हमने डाला इसको अच्छे से मोड़ दिया है। हमारा बिना आलू का था, और मैं आलू वाला भी बना सकती हूँ, उसमें आलू मसाला डाल के भी बना सकते हो आप। यहाँ पर देख सकते हो हमारा दूसरा डोसा बनाएंगे ना, वो हम यहाँ पर आलू वाला ही बनाएंगे। पहले में मैंने नहीं बनाया था और दूसरे में मैं बनाने वाली हूँ। तो ये हमारा भी रेडी हो गया है। अब इसमें हम आलू मसाला डालने वाले हैं इस तरह से। हमारा डोसा रेडी है। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब तो दोनों चैनल में डालने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब एंड फॉलो दोनों कर सकते हैं हर वीडियो देखने के लिए। आप लोग भी बनाए, बच्चे बड़ों सबको पसंद आता है। यहाँ हमारा दोनों डोसा रेडी हो गया। यहाँ पर चटनी लिए हुए, यहाँ पर रसम बटर लिए हुए।